हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं ट्रिक गुरु चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं यूट्यूब के लिए या शॉर्ट फिल्म्स जिसमें आपको कैमरा से मतलब वो चाहे DSLR हो या कैमकॉर्डर हो या फ़ोन कैमरा हो, आप किसी से भी अगर शूट कर रहे हो, अगर आपके बीच में और वो डिवाइस के बीच में, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब जैसे कि 5 फीट, 10 फीट या 15 फीट भी, तो आपको ऑडियो क्लैरिटी बहुत ख़राब आएगी। और दूसरा जो पॉइंट ये है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऑडियो क्लैरिटी टोटली ख़राब हो जाएगी। तो जब भी आप कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो या आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या कोई भी एक ट्यूटोरियल या डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हो, तो जनरली आपको ऑडियो देना पड़ता है। तो वो वीडियो में अगर आपको ऑडियो अटैच करनी है, तो अगर प्रोफेशनल ऑडियो चाहिए जिसमें नॉइज़ कम से कम हो और ऑडियो क्लैरिटी बहुत ही अच्छी हो, तो जनरली आप माइक यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप YouTube वीडियोस बनाना चाहते हो और दूसरे कोई वीडियोस बनाना चाहते हो, डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल माइक का अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं मेरे फ़ोन के कैमरा से मतलब शूट कर रहा हूँ, और फ़ोन कैमरा में जो भी इनबिल्ट माइक्रोफोन है उसी से अभी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज़ कैसा है या मेरी आवाज़ की क्लैरिटी कैसी है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने फ़्लिपकार्ट से एक माइक ऑर्डर किया है, माइक्रोफोन ऑर्डर किया है। तो ये जो माइक्रोफोन है ये मुझे 767 रुपीज़ में पड़ा, और मैंने 16 सितंबर को ऑर्डर किया था, 20 सितंबर को मुझे डिलीवरी मिल गई, मतलब 4 दिन लगे। तो फ्लिपकार्ट से अगर 4 दिन लगे, तो अगर मैं ये अमेज़ॉन से ऑर्डर करता तो 2 से 3 दिन के अंदर ही मुझे मिल रहा था, मतलब 1 या 2 दिन पहले मुझे डिलीवरी मिल जाती थी। लेकिन फिर भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर इसलिए किया क्योंकि इसके दो रीज़न्स है। जनरली पहला रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 300 सुपर कॉइन्स है, फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स, और अगर 400 सुपर कॉइन्स होते, मतलब 399 सुपर कॉइन्स अगर मेरे पास होते, तो मैं डिज्नी हॉटस्टार की जो 399 रुपीज़ वाली VIP मेंबरशिप होती है वो मैं ले सकता था, और IPL मैचेस मैं अपने फ़ोन में देख सकता था। तो उसके लिए मुझे सुपर कॉइन्स बढ़ाने थे, तो सुपर कॉइन्स के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे पास फ्लिपकार्ट का पे लेटर जो है उसमें मुझे 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट दिया था फ्लिपकार्ट ने, तो 5,000 रुपीज़ का जो क्रेडिट अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में वैसे ही पड़ा था, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो यूज़ करके देख लेते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर को भी। तो इस दो रीज़न्स की वजह से मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये मैंने ऑर्डर किया है 767 रुपीज़ में, और इसका आज का प्राइस है 780 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज होते रहता है, और लेकिन जनरली आपको ये 750 के 800 रुपये के बीच में पड़ेगा। तो इसका जो ये बॉक्स है, इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी और सेफ पैकिंग दी गई है। तो इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं, मैंने इसे ओपन करने के बाद इसमें मुझे और एक छोटा सा बॉक्स मिला है, और इसमें से एक पेपर भी है, मतलब ये बिल है। तो अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं ये है बोया BY-M1 मॉडल, तो ये है बोया कंपनी का माइक्रोफोन। तो इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें मिलती है एक ब्लैक कलर का एक पाउच है, बहुत ही सुंदर पाउच है ये, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये माइक आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग में भी कहीं कैरी कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो बहुत ही कंफर्टेबल माइक है। और इसके साथ में हमें मिल रहा है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच है, इसमें 4 चीज़ है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और इसके साथ एक मिला है यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड, 1 साल का वारंटी कार्ड भी मिल रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। तो ये जो प्लास्टिक पाउच है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच, तो इसमें मिल रही है हमें 4 चीज़ें। तो सबसे पहले ये है जो स्पॉन्ज का हेड होता है, मतलब आपका जो माइक होगा यहाँ पे फिट होगा, उसका जो रिसीवर होता है, वो रिसीवर के ऊपर जो आपका वॉइस जो स्मूथ आए, स्मूथनेस ज़्यादा आए, इसके लिए जो स्पॉन्ज का हेड होता है, ये स्पॉन्ज का हेड दिया गया है। इसके अलावा इसमें आ रहा है एक क्लिप, ये जो क्लिप है ये कॉलर क्लिप, यहाँ पे आपको माइक को फिक्स कराना होता है आपके कॉलर के पास। और अगर आप आपका माइक कुछ बड़े स्पीकर से या एम्पलीफायर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका जो इनपुट जो जैक होता है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, तो ये है कनेक्टर पिन 3.5 mm टू, ये जो ये कितना mm मुझे नहीं पता, ये ऑलमोस्ट 7-8 mm का होगा शायद। तो ये जो कनेक्टर पिन मिल रही है हमें, और इसके साथ हमें मिल रहा है लास्ट जो चीज़ है ये प्लास्टिक पाउच में, ये है ये छोटी सी बैटरी सेल।
तो इन चार चीज़ों के अलावा हमें ये पाउच अगर आप ओपन करें तो ये पाउच में आपको मिल रहा है बहुत ही सुंदर और लंबा। सबसे बेस्ट थिंग मुझे ये माइक की ये लगी कि इसका जो ये वायर है, ये वायर ऑलमोस्ट 6 मीटर्स का है, मतलब ये ऑलमोस्ट 20 फीट्स का इसका डिस्टेंस है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से भी अगर आप शॉट ले रहे हैं, मतलब DSLR कैमरा से या आपके फ़ोन से भी अगर आप शूट कर रहे हैं, दूर से अगर आप शूट कर रहे हैं, ट्राईपॉड पे आपका मान लो कैमरा है या DSLR है, आप 20 फीट दूर खड़े हैं, फिर भी आपको ऑडियो का क्लैरिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंपली ये जो माइक है आपके 20 फीट दूर तक इसका जो वायर है ये आप आपके DSLR में या फ़ोन में आप प्लग इन कर सकते हो और आपका ऑडियो बहुत अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है ये जो माइक्रोफोन रिसीवर, फर्स्ट पार्ट। तो माइक्रोफोन ये रिसीवर जो है, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि माइक्रोफोन रिसीवर होता कैसे। आपको इसे ओपन नहीं करना है, बस आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए ओपन करके दिखा रहा हूँ। यह है माइक्रोफोन रिसीवर, आपको इसे ओपन नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो क्लिप दी गई है इसके साथ, ये क्लिप आपको इसमें फिट करानी है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट में आपको ऐसे सिंपली हल्के से थोड़ा सा पुश करके ऐसे फिट करानी है। फिट कराने के बाद अब हम जो इसका स्पॉन्ज हेड था माइक्रोफोन रिसीवर के ऊपर, वो हम फिक्स करा देते हैं। तो सिंपली अब हम अपने कॉलर के ऊपर इसे फिट करा देते हैं। इसका जो वायर है ये आप आपके शर्ट के अंदर भी छुपा सकते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये माइक का, ये है यहाँ पे आपको स्विच मिलेंगे ये बॉक्स के ऊपर, ये छोटा सा डब्बा टाइप जो है, सिलेंडरल स्ट्रक्चर जो है, इसको आपको ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो आपके सेल है वो सेल आपको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे के साइड पे आपको यहाँ पे प्लस सिंबल दिख रहा है, कुछ लिखा भी है यहाँ पे प्लस सिंबल है, मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव ऊपर है, निगेटिव नीचे है। तो आपको ये सिंपली ऐसे अंदर ये इंसर्ट कर देना है आपका जो बैटरी छोटा सा सेल है, और इसको फिर से इसका लीड जो है आपको फिट कराना है। तो सेकंड पार्ट भी होगा, बैटरी भी इंसर्ट हो गई। तो आपको ये जो है आपके बेल्ट के पास लगाया गया, इसका ज़्यादा लेंथ नहीं है, आपके माइक्रोफोन से ही है। तो आपको सिंपली ये आपके बेल्ट के पास या आपके पैंट के जो पॉकेट्स होते हैं वहाँ पे आप इसे छुपा सकते हैं या इसे सिंपली क्लिप कर सकते हैं। इसे यहाँ पे क्लिप भी दी गई है, तो आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल है यहाँ पे आप उसे क्लिप करके रख सकते हैं। और जो उसके बाद आपको मिल रहा है ये 20 फीट का जो ये वायर है, ये 20 फीट का वायर आप आपके ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस के हिसाब से आप इसे वाइंड अप करके वायर को आप बस रख दीजिए वैसे साइड में। तो लास्ट जो पार्ट है ये 3.5 mm का ये जो जैक पिन है, ये जाएगी आपके DSLR में, आपके फ़ोन में जिससे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें आपको ये 3.5 mm का जो जैक होता है वहाँ पे आपको ये प्लग इन कर देना है। तो आपका और एक बात, यहाँ पे आपको स्विचेस है। अगर आप DSLR कैमरा से या कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड करें तो आपको स्विच को ऊपर पुश करना है, अगर आपको ऑफ करना है या फ़ोन से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको नीचे पुश कर देना है, तो ये ऑफ हो जाएगा। नहीं तो अगर आप फ़ोन से कनेक्टेड हो तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 बटन्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग है, और बोए अब काफ़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड भी है। और इसकी जो बैटरी लाइफ है, और एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है ये पूरे 1 साल तक चलती है। तो आप पूरे 1 साल बिना टेंशन के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 1 साल के बाद आपको बस बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, उसका जो मिनिमल खर्चा है जो बहुत कम रहेगा। तो आपको 750 से 800 रुपये के बीच में आपको ये बोया का BY-M1 माइक मिल रहा है, काफ़ी प्रोफेशनल आपको वॉइस आ जाएगी और ऑडियो क्लैरिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, नॉइज़ कैंसलेशन बहुत कम हो जाएगा, ऑडियो का जो पिच रहता है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो अभी जो रिकॉर्डर है, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ये प्लग्ड इन नहीं है, ये मेरा फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो।
जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये फ़ोन का जो इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है उसमें ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप देख सकते हैं इसका ऑडियो क्लैरिटी कैसी है। और मैं अब ये प्लग इन करने जा रहा हूँ, ये प्लग इन करने के बाद आप देख सकते हैं ये माइक का जो ऑडियो क्लैरिटी होता है वो कैसा है। तो अब मैंने मेरा माइक्रोफोन प्लग इन कर दिया मेरे फ़ोन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ऑडियो क्लैरिटी कितनी साफ़ है, वॉइस कितना ज़्यादा क्लियर आ रहा है, और नॉइज़ कैंसलेशन कितना कम हो चुका है, और ऑडियो की क्लैरिटी जो थी, ओवरऑल क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। आपको पहले वॉइस में और आपके वॉइस में ज़्यादा फ़र्क शायद ना दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे फ़ोन से बस 1 से 1.5 फुट के दूरी पे हूँ, 1 से 1.5 फुट के दूरी पे हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा दूर जाते हैं, मतलब फ़ोन से अगर आप 5 फुट 6 फुट जाते हैं, फिर भी अगर आपने माइक लगाया हो तो आप फ़ोन के पास आ जाओ 1 फुट, या फ़ोन से 10 फुट दूर जाओ, फिर भी आपका जो ऑडियो क्वालिटी होगा वो, आप कितना भी दूर जाइए, कितना भी मूवमेंट रहेगा, फिर भी आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो मतलब यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब एक जैसी रहेगी हर बार। और अगर आप बाहर भी जा रहे हो, मतलब आउटडोर में अगर आप शूट कर रहे हो, तो बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करो तो बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत कम हो जाएगा, ऑडियो क्लैरिटी कम बहुत अच्छी आएगी। अगर ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही है तो भी फ़ोन के माइक्रोफोन, मतलब इनबिल्ट जो माइक्रोफोन होता है, उससे आप डेफिनेटली रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप फ़ोन से 10 फीट या 5 फीट भी अगर दूर है, फ़ोन से 5 फीट जो बहुत नॉर्मल है, 5 फुट भी अगर फ़ोन से दूर है, हवा चल रही है, तो बिल्कुल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपने माइक्रोफोन यूज़ किया हो तो आप फ़ोन से 5 फीट भी अगर दूर हो या 10 फीट भी अगर दूर हो, तो आराम से ये माइक्रोफोन यूज़ करके आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी में। अभी आप ज़्यादा फ़र्क अगर देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी ये ऑडियो क्वालिटी जो है ज़्यादा क्लियर है, नॉइज़ थोड़ा सा कम है। अगर आप ये जो दोनों ऑडियोज हैं, ये कोई एडोब ऑडिशन जो सॉफ्टवेयर होता है ऑडियो के लिए, अगर हम उसमें देखेंगे तो नॉइज़ का लेवल डेफिनेटली आपको इसी में कम दिखेगा। तो अब मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ और फ़ोन से सिर्फ 1.5 फीट दूर से मैं शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। तो डेफिनेटली आपको, आप जब भी कुछ शूट कर रहे हो तो आपको माइक यूज़ करना चाहिए, तो आपको प्रोफेशनल क्वालिटी का ऑडियो मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी माइक्रोफोन है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बोया BY-M1 मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आपका सपोर्ट दिखाइए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर कीजिए जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए या जनरली दूसरे भी कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।